नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, देख लो, चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। अभी टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। और जी हाँ, जैसे आपने शॉर्ट में देखा होगा, लाइफ इन विंटर, उसी सीरीज का ये पहला वीडियो है। यूरोप के अंदर विंटर में कैसी लाइफ होती है, देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब रेसिडेंस एरिया है, यहाँ काम चल रहा है, पैदल चलने के लिए, साइकिल के लिए रास्ता बनाया हुआ है जिस पे हम चल रहे हैं। तो रास्ता स्लीपर ही है बिकॉज ऑफ स्नो, लेकिन यहाँ ऐसी छोटी छोटी रेत डाली हुई है, उससे क्या होता है कि स्लीप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी क्रिसमस भी आ रही है, कुछ मार्केट लगी हुई है क्रिसमस की, तो अभी हम जाते हैं बस से, दिखाते हैं क्या है क्रिसमस मार्केट का सीन -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड पे, आज है संडे और संडे को यहाँ बसेस आती है हर 30 मिनट्स पर, नॉर्मली वीकडेज होता है उसमें आती है हर 10 मिनट्स। टेम्परेचर इतना माइनस में है, मेरे हाथ जम रहे हैं। साइकिल रोड पे भी यहाँ डिस्टेंस दिखाया हुआ है, पूरा बर्फ बना हुआ है। कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है देखो, सामने जो एंड दिख रहा है वहाँ से चल के आए थे। तो भाई अभी हमारी बस आ रही है, इस बस से हम आए थे, अभी हम यहाँ उतर गए। भाई साहब देखो, जैसे मैंने आपको बताया पूरा पानी जम गया है। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, ये पूरा पानी बर्फ हो गया है ये देखो। अभी थोड़े टाइम बाद जब पूरा पानी जम जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर अभी और भी माइनस में डाउन जाएगा, लोग यहाँ पर आके स्केटिंग करेंगे। अभी चलते हैं जहाँ मार्केट लगा है, देखते हैं क्या सीन है। इसे बोलते हैं ना, सिटी का मेन एरिया कौन सा है जहाँ ट्रेन स्टेशन मिलेगी, बस स्टैंड होगा, शॉपिंग के लिए मार्केट होगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, तो ऐसा एरिया ही है। ये चर्च बना हुआ है, पूरा बैंक है नोविया, ये सामने नाइट क्लब, बार, रेस्टोरेंट सब बना हुआ है, प्रोग्राम है यहाँ का। ये देखो भाई साहब, ये कुछ सामान बेच रहा है, घोड़े को घास खिला रहा है, जनरेटर वगैरह लगा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। ये सब स्पॉन्सर है, ये पूरी मार्केट लगी है उसके -8 डिग्री में, ये सब सेटअप लगा हुआ है। ये सामने होटल है, अगर आप घूमने आते हो कलमार में, सेंट्रम में, इस होटल में भी रुक सकते हैं। ये पूरा स्केटिंग के लिए बनाया हुआ है, बच्चे लोग आते हैं आइस स्केटिंग करते हैं, स्पेशल सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पर। जब ये स्नो का टाइम ख़त्म हो जाएगा, विंटर का, ये सेटअप निकल जाएगा और ये पूरा इस तरह का हो जाएगा। खाने के सामान लगा हुआ है यहाँ पर, ऑफर लगी हुई है, 3 की प्राइस में 4 आइटम लगे। यहाँ पूरे खिलौने लगे हुए हैं, बच्चों की चीज़ें सब। ये गर्म पानी के ट्रेडिशनल तरीका काम गर्म करने का, इतना बढ़िया है, कुछ जूस है सारे। पीछे वो चर्च है बड़ा, लोग आ रहे हैं, ये वगैरह का स्टॉल लगा है, चॉकलेट लगी हुई है, चॉकलेट कुकीज, ये कुछ मीट का स्टॉल लगा हुआ है, अलग अलग वैरायटी है मीट की। ये देखो पपीस, जो खाली क्रिसमस के अंदर आता है स्पेशल प्रोडक्ट है, ड्रिंक है, गर्म आइटम है, हनी है, सब डेकोरेटिव आइटम्स है। 4 लो तो 100 में मिलेगा। ड्राई फ्रूट वगैरह है, वेफर्स है, चिप्स है, चॉकलेट्स है,
कैंडी है डिफरेंट डिफरेंट। कैंडी बहुत है यार, हाथ जम गए। यहाँ कॉफी वगैरह है जो चेक करने के लिए ले सकते हो। मजा ले रहे हैं क्रिसमस की स्पेशल ड्रिंक का। ये सामने और एक स्ट्रीट है जिसको डेकोरेट किया हुआ है और ये सांता क्लॉज है। हेलो हेलो, ये किचन लाइटिंग वगैरह लगा हुआ है, डेकोरेटिव आइटम्स है, मोमबत्ती वगैरह, कैंडल्स, अलग अलग वैरायटी के मीट लगे हुए हैं। मीटर पे मिलता है, तो पूरा लाइन बना हुआ है, जितना मीटर चाहिए उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो मैं शॉप है ये गर्म कपड़े का स्टॉल है। ये देखो यार, ये वापस गम कपड़ों का शॉल है, 100 करोन का है, यानी इंडियन के हुए तकरीबन 4,000 इस तरह का टॉय है। ओलिवर है इस तरह के। ये भी कुछ मीट का शॉप है, पुरानी आइटम है जिसे ये लोग बोलते हैं एंटिक, एंटिक के लिए मेटल बाई में मेटल आर्ट, तो मेटल का सब आर्ट बनाया हुआ है इन्होंने। ट्रैफिक चालू है और ये यहाँ पर पूरा मार्केट लगा हुआ है।